पीटर बेटे उस वाले बोल्ट को कसो, वो थोड़ा ढीला लग रहा है। पीटर ये नहीं, जिसकी गरारी ढीली है उसे कसो ना। अरे नहीं, इसको चैन को क्यों छू रहे हो पीटर? पीटर बेटे मेरी हेल्प ले ले, परेशान हो रहा होगा तू अकेला। बुजुर्ग हाथ हाथ हाथ। तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैकेनिक है, मिस्त्री है, कौन है तू? मेरा फिर से वही सवाल है। हाँ मनोज, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मेरा फिर से वही सवाल है कि एडम बचा कैसे? एडम को जोम्बियों ने कुछ क्यों नहीं कहा? इसे जोम्बियों ने खाया क्यों नहीं? अरे हम बताएं? हाँ तुम बताओ। क्योंकि जोम्बी अगर उन्हें काट लेते ना, तो वो जोम्बी बनके जोम्बियों को उबला हुए चावल खिलाते, और ये बात जोम्बियों को पता थी, इसलिए नहीं काटा। हम बताते हैं, बात ये है कि ये एडम है ही नहीं, एडम तो मर गया। ये तो कोई भटिया है, बैरूपिया है उसका। आज से तुम्हें पता है तुम्हारा लीडर कौन है? एंथनी जोम्बी। ये बनेंगे लीडर। आज से तुम्हारी टीम का लीडर है इंस्पेक्टर मनोज। इंस्पेक्टर मनोज आज से टीम का फुल टाइम धोबी। आज से सारे कपड़े मैं धोऊंगा। डॉक्टर इतना लंबा कोट मैंने धोऊंगा। डॉक्टर साहब बता दो फिर एडम सर को। अरे कोट भी धुलेंगे आज से, लिया बिस्तर चद्दर सब धोऊंगा मैं, और डॉक्टर साहब की गांड भी धो दूंगा। ये मनोज क्या बताने कह रहा था? कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल बात चल रही थी कि जोम्बी तुम्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे। बताइए क्यों नहीं कह रहे कुछ? मेरी स्टडी के हिसाब से देखें तो ह्यूमन बॉडी में आरबीसी होती है। डॉक्टर साहब ये आरसीबी बॉडी में कहाँ से आ गई? मुंबई इंडियंस तो ना आ गई? आरसीबी नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तुझे कुछ पता भी है डरपोक इंसान? हाँ सब तुम्हें पता, और एडम सर इनसे क्या कद्दू पूछ रहे हो? इन्हें ये ही नहीं पता कि पीटर कैसे बना। हाँ पता, सब पता, कैसे बना पीटर? तू कैसे बना? तुम्हें कुछ ना आता? झोला छाप डॉक्टर हो तुम, पुड़ियों में दवाई बेचते थे, पुड़ियों में। क्या हुआ एडम? एडम तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, इसे भूख लग रही है। हाँ तो ठीक है ना, मैं अभी बनाता हूँ एडम सर के फेवरेट उबले हुए चावल। सर आपके तो फेवरेट है, कैसे मना कर सकते हो?